गुड मॉर्निंग भोजपुरी रस में आप सभी का स्वागत है। भोजपुरी रस से जुड़े रहने के लिए भोजपुरी रस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। चलिए आज हम बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी के भांजे सुशांत सिंह से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें लेकर आए हैं। जी आप सबको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, सुशांत सिंह जी का एक वीडियो रिलीज हुआ था बेनकाब। जी आप सभी ने उसको बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिया था और बहुत ही अलग लेवल का भोजपुरी में उन्होंने वीडियो क्रिएट किया था। जी आप बात करते हैं उसी से जुड़ी हुई खबर है तो जी हाँ, उसके बाद अब पावर स्टार पवन सिंह जी के भांजे सुशांत सिंह जी एक बहुत जल्द अपना देवी गीत आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, उसका वीडियो आप सबके बीच लेकर आने वाले हैं। उसका नाम है एल्बम का माई के याद। जी हाँ, इसमें मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन है। तो आप सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस एल्बम का नाम है माई के याद, सिंगर है सुशांत सिंह जी, राइटर अनुपम पांडे जी जिन्होंने हाल में ही हमारा वाला डांस लिखा है, और जाहिद अख्तर जी जो आप सबको पता होगा बहुत ही फेमस राइटर है जाहिद अख्तर जी, वो लॉलीपॉप फेम के नाम से उनको जाना जाता है जिन्होंने लॉलीपॉप लिखा था। जी हाँ, इसके जो म्यूजिक दिए हैं मनोज आर्यन जी हैं, मिक्सिंग राहुल खोकंडे जी ने किया है, वीडियो डायरेक्टर अजय सिंह जी है जो कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन करते हैं वीडियो का। अब सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ब्लेसिंग में जो है आशीर्वाद जो दिए हैं पवन सिंह जी की दिए हैं, परिकल्पना अमित सिंह जी ने किया हुआ है और सहयोग प्रिंस सिंह जी ने किया हुआ है। जी आप सबको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, स्क्रीन पर मेरा लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन इसका है फिल्म सिटी दिल्ली में, इसको शूट किया गया है और इसको लिपसिंग दिया गया है। तो आप सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ, राजस्थान के माउंट पे इसका लिपसिंग दिया गया हुआ है। आप सबको जानकारी के लिए बताता हूँ, इसका बजट जो है वीडियो का बजट है 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में इसको बनाने में खर्चा आया है, और इसका जो प्रोडक्शन हाउस है आरडी फिल्म्स एंड सिंह ब्रदर प्रोडक्शन हाउस के तहत इसको बनाया गया है इसको वीडियो को। और आप सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बीमार हालत में इस वीडियो को शूट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हालत में थे फिर भी उन्होंने इसको वीडियो को शूट किया, और अभी रिलीज डेट इसका कंफर्म नहीं हुआ है, किसी भी बड़े कंपनी से इसको रिलीज किया जाएगा बहुत जल्द। तो आप सब इससे जुड़े रहिए।